गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11 चैप्टर नंबर 23 स्टैटिस्टिक्स में एक्सरसाइज 23.3 के क्वेश्चन नंबर 4 बार है। मीन एंड वेरियंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन आर 9 एंड 9.25 रेस्पेक्टिवली। इफ द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 6 7 10 12 12 एंड 30 then the find the remaining two observation। तो ये दो remaining जो observation हैं, उनको हमने x y मान लिया। बाकी जो observation इसमें दे रखी है 6, वो हमने लिख दिया 6, 7 and 12, 6, 7, 10, 12, 12, 30, x, y। इनको square कर दिया, 6 का square, 7 का, 10 का, ये square कर दिया। इसका total sigma x y, तो इनको जोड़ लिया हमने, ये इन सबको जोड़ गए, ये आ गया 60 plus x y, ऐसे जोड़ गए। ऐसे ही सब पर टोटल करेंगे, ये नंबर है प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 642 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने मीन का फॉर्मूला लगाया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई बटे एन। मीन हमारा क्वेश्चन में 9 दिया हुआ है, तो उसको 9 लिख लिया। 60 प्लस एक्स प्लस वाई सिग्मा एक्स आई की वैल्यू है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है, 8 की मल्टीप्लाई इधर करी 72, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू आ गया हमारा 12। फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी। अब वेरिएंस देखेंगे, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू एक्सआई का स्क्वायर ऑन 9, सिग्मा एक्सआई ऑन एन का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी 9.25, इसकी वैल्यू हमें पता है, टोटल निकालना 642 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 8 माइनस, ये पूरा मीन है, मीन दे रखा है 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 51। तो इसको प्लस कर देंगे 642 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आगे के क्वेश्चन आपको क्लू करा जाएंगे। थैंक यू।